ये देखिए कितना ही सुंदर यहाँ का व्यू और सुंदर यहाँ स्थान के होगा भी क्यों ना, जहाँ पर यमुनोत्री धाम के दर्शन आप सबकी के लिए। दोस्तों थोड़ा सा ही रहा है, 5 मिनट का रास्ता और मैं जो बिल्कुल एंजॉय करता हूँ यहाँ पर पहुँचा हूँ। इस ब्लॉग को फुल देखें, पूरा देखें और सहयोग करें। अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो इस टाइम में आ सकते हैं, बस आपका पंजीकरण होना चाहिए, बाकी आपको कोई असुविधा नहीं रहेगी। बड़ा ही अच्छा ट्रैक है, बड़ा ही नॉर्मल ट्रैक है, कोई टफ नहीं है, लेकिन लोगों को टफ लगता है वो बात अलग है। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ यमुनोत्री धाम, बिल्कुल यमुनोत्री धाम के प्रांगण में। आपको आगे जाके कराएंगे दर्शन और स्नान कहाँ पर होता है, पूरी व्यवस्था आपको दिखाई जाएगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, यहाँ पर कोई भी साथी मिल नहीं रहा है, सबसे बुरी बात। तो हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ यमुनोत्री, हर हर महादेव। तो हम पहुंच गए यमुनोत्री धाम में स्नान के लिए जा रहे हैं। मौज कैसा लग रहा है? दर्शन तो कर ले अभी तक, हमारे लिए कोई टफ नहीं है यात्रा करना यहाँ ना, बड़ी आसानी से हो सकती है। आसानी से कोई ऐसी बात नहीं है। चाचा साहब हमारे कहाँ है? ये हमारे और साथी हैं, यमुनोत्री के दर्शन हो चुके हैं। जय माता दी, जय माता दी। चाचा साहब कैसा लगा स्नान करके? क्या बात है कि आनंद आ गया, बहुत मजा आ गया। ऐसा मजा आया कि जो थकान थी पुराने लोगों की वो खत्म हो गई। हर हर महादेव। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत ही पाप खत्म हो गए। दोबारा भी आएंगे, दोबारा आएंगे, दोबारा भी आएंगे, जब बुलाएंगे तो आएंगे, जब बुलाएंगे, जब बुलाएंगे तो आएंगे, जब बुलाएंगे तो आएंगे, आएंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय। कितना ही सुंदर नजारा देख सकते हैं दोस्तों आप सबके लिए यहाँ पर जो है ये स्पेशल व्लॉग रहने वाला है। आप देखिए कितना ही सुंदर है, आनंद ही आनंद आ गया, बहुत ही सुंदर। गर्म पानी में जब आप थक कर आते हैं नीचे से और यहाँ पहुँच कर जब आप इस गर्म पानी में स्नान करते हैं तो सारी थकान खत्म हो जाती है। यही यमुना माता का जो है हमारे लिए आशीर्वाद रहता है, शुभ आशीष रहता है। तो इस तरह से लोग थक कर हताश होते हैं जब माता के दर्शन और यहाँ मंदिर में दर्शन करते हैं और इस गर्म जल में स्नान करते हैं तो सारी थकान समाप्त हो जाती है। इस सामने का रास्ता जहां से लोग आ रहे हैं आप देख सकते हैं। अंकल कहां से आए? कहां से आए आप? मध्य प्रदेश से। आप कहां से आए? एमपी, मध्य प्रदेश। कैसा लगा? अच्छा लगा। कहां से आप? सतना जिला से। मध्य प्रदेश से, वो हमारे साथ है। साथ जहां दूरी तो नहीं है? हां पैदल चल के आए। पैदल पैदल आए, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव। ये मध्य प्रदेश से आए हुए यात्री हैं। या अनुभव कैसा रहा यात्रा रास्ता? बहुत सुंदर। आपके वहाँ तो पहाड़ नहीं है ना? बहुत है, मैया है, चित्रकूट है। ना पहाड़ नहीं है, ऐसे नहीं है ना? ऐसे पहाड़, ऐसा पहाड़। तब भी आप आनंद में रहे, बहुत बढ़िया। यही होती है श्रद्धा। और जब हमें मन में कुछ भाव होता तो आदमी कुछ भी करने को तैयार होता है। तो यही हमारे बुजुर्ग लोग जो मध्य प्रदेश से आए हैं। तहसील नांगाव, जिला सतना, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ मैं। हार्दिक हृदय से आपका भी अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार।